विज्ञान राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो खेल में कार्यरत है, कंटेंट कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज कक्षा 12 का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व शांति में के योगदान पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत एक वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति स्टालिन के प्रयासों से संभव हो सकी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके संस्थापक सदस्य संख्या 51 थी। 51वां सदस्य इसका पोलैंड का, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। भारत भी इसका संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य है। भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से प्रोफेसर गुदालियर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। ये वास्तव में भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से भी भारत एक प्रमुख सदस्य रहा है। अब इसके अगले चरण में हम बात करें तो इसके विकास करेंगे। दोस्तों, सच यह है कि यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुई। उसके लिए विभिन्न चरणों के प्रयास किए गए। इसका प्रथम प्रयास अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर के अंतर्गत अगस्त 1944 में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चर्चिल ने चर्चा की कि जितने भी विश्व में ऑक्यूपेसिक राष्ट्र है उनको स्वतंत्र करना है। उसके बाद में द्वितीय प्रयास सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन 1945 में हुआ और इसके 20 मित्र राष्ट्रों ने सम्मेलन में भाग लिया। यही मित्र संघ आगे चलकर यूएनओ बना। तीसरा ऐसा प्रयास आगे डंबार्टॉक सम्मेलन। यह सम्मेलन 1944 में, इस सम्मेलन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों की संरचना और उसके कार्य प्रणाली पर चर्चा की गई और सहमति बनी। इसका अगला प्रयास चौथा प्रयास याल्टा सम्मेलन। इसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद वीटो पावर अर्थात दोहरा विशेषाधिकार पर चर्चा की गई और वोटिंग सिस्टम पर सहमति बनी। दोस्तों, इसके अगले चरण में फिर एक सम्मेलन हुआ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। यह सम्मेलन 1945 में, इस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए और चार्टर में 111 अनुच्छेद पर चर्चा की गई और अंतिम रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आज की वर्तमान में 111 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, आज संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तव में एक वैश्विक हॉस्पिटल की तरह है। जिस प्रकार एक हॉस्पिटल में विभिन्न बीमारियों का इलाज होता है, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ आज विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर रहा है, चाहे वह समस्या सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो। सभी समस्याओं का समाधान आज संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है। सच तो ये है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसी के आगे चरण में हम आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख रूप से 4 उद्देश्य रहे हैं, उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके 2 उद्देश्य अंत बाद में जोड़े गए। एक है नियो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना, जो 1974 में लास्ट में छठवा उद्देश्य जोड़ा गया। 1988 में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण। इस प्रकार पहला इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा बनाए रखना, विश्व की विभिन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान। दूसरा उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का अंत करना। चौथा उद्देश्य इसका है राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निकटता को बढ़ाना। पांचवा उद्देश्य, जैसे कि हमने पहले चर्चा की, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना और पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने चर्चा की, पहले इसका सामान्य परिचय देखा, उसके बाद में विकास संघ के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। अब किस तरह के आगे बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग और उनकी विस्तृत चर्चा करें।